कल की गिरावट से उबर सकते हैं भारतीय बाजार। गैप अप ओपनिंग के साथ खुल सकता है बाजार। एक्सिस में लगभग 54 अंकों की मजबूती। एशिया डॉलर की भी मिली जुली शुरुआत। जापान ने पैक बढ़ाने के लिए सन फार्मा ने नोवार्टिस के 14 ब्रांड्स खरीदे। 1900 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। रियल एस्टेट एक्ट की अधिसूचना जारी होने के बाद आज दिख सकती है रियल्टी शेयरों में हलचल। एक्ट के मुताबिक एक साल के भीतर राज्य में करना होगा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन। साल 2015 और 16 के लिए चीनी उत्पादन लक्ष्य घटा सकती है सरकार। चीनी उत्पादन लक्ष्य 2.6 करोड़ टन से 2.5 करोड़ टन होने का अनुमान। और अब भारी डिस्काउंट नहीं दे पाएंगी ई कॉमर्स कंपनियां। मैन्युफैक्चरर्स के लिए शर्तों के साथ 100% FDI को सरकार की मंजूरी। मैन्युफैक्चरर का होगा कीमतें तय करने का अधिकार।